6.6 विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हैं जो विद्युत ऊर्जा से कार्य करते हैं, और कुछ समय कार्य करने के पश्चात हम इन उपकरणों के चारों तरफ ऊष्मा को महसूस कर सकते हैं, उदाहरणतः इस्त्री, विद्युत बल्ब आदि। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब कुछ विद्युत ऊर्जा की हानि होती है। जैसा कि हम ऊर्जा संरक्षण के नियम से जानते हैं कि ऊर्जा न ही उत्पन्न हो सकती है न ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। इसलिए विद्युत ऊर्जा की हानि ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। विद्युत के इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। परिपथ का गर्म होना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव हैं। जूल का तापन नियम। माना कि आर प्रतिरोध के एक प्रतिरोधक में आई धारा टी सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तथा प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर वी आरोपित किया गया है। तब टी सेकेंड में तार में बहने वाला आवेश बराबर धारा गुणित समय, या क्यू बराबर आई गुणित टी। समीकरण एक। विभवांतर की परिभाषा से टी समय में क्यू आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य डब्लू बराबर क्यू गुणित वी। समीकरण एक से क्यू बराबर आई टी, तब डब्लू बराबर वी आई टी। समीकरण दो। प्रतिरोधक आर में आवेश क्यू को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में किया गया कार्य प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। तब समीकरण दो में W के स्थान पर H लिखने पर H बराबर V I T। समीकरण तीन। प्रतिरोधक में T समय में विद्युत धारा I द्वारा उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I का वर्ग गुणित R गुणित T। ओम के नियम V बराबर I R से। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार पहला, प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H उसमें प्रवाहित धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात H अनुक्रमानुपाती I वर्ग। दूसरा, प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H प्रतिरोधक के प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात H अनुक्रमानुपाती R। तीसरा, प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने के समय T के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात H अनुक्रमानुपाती T। H बराबर I का वर्ग गुणित R गुणित T। समीकरण चार। 6.6.1 विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है विद्युत शक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के गुणनफल जितनी होती है। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा हानि की दर को भी विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं। माना कि किसी विद्युत परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो T सेकेंड में विद्युत ऊर्जा हानि W बराबर V I T। अतः एक सेकेंड में हुई विद्युत ऊर्जा हानि बराबर W बटे T बराबर V I T बटे T बराबर V I। इसे विद्युत शक्ति P कहते हैं। P बराबर W बटे T बराबर वी आई। समीकरण पाँच। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है। समीकरण छः से समय टी में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा टी गुणित टी है, जो वी आई टी के बराबर है। एच बराबर वी आई टी। समीकरण तीन से। इसलिए एच बराबर आई का वर्ग गुणित आर गुणित टी, चूंकि वी बराबर आई आर। विद्युत की खपत H को हम किलोवाट में या यूनिट में दर्शाते हैं।
एक किलोवाट घंटा बराबर एक यूनिट बराबर 1000 वाट गुणित एक घंटा बराबर 1000 वाट गुणित 3600 सेकेंड बराबर 36 × 10^5 वाट सेकेंड बराबर 3.6 × 10^6 वाट सेकेंड बराबर 3.6 × 10^6 जूल। घरों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा के माप हेतु निम्नलिखित सूत्र प्रयुक्त करते हैं। व्यय विद्युत ऊर्जा विद्युत यूनिट में बराबर विद्युत उपकरणों की संख्या गुणित विद्युत उपकरण की शक्ति वाट में गुणित समय घंटे में गुणित दिनों की संख्या पूरे के बटे 1000।